Yes, good morning children. How are you? I hope you all are fine. Yes, beta. आज असी पहला पाठ करांगे. पाठ एक कविता है मेरा देश. So take out your Punjabi book and afternoon book. करांगे सी पाठ एक मेरा देश. ये कविता है. मेरा देश कविता विच बेटा भारत देश की महानता अते इत्थे पाई जांदी अनेकता विच एकता का वर्णन किया गया ते इस दी सेवा करन दी प्रेरणा की गई है. भाव कि भारत देश की सेवा करन दी प्रेरणा इस कविता विच दित्ती गई है. सो बेटा लेट्स स्टार्ट. देश अपने दी की सिफत करा मेरा देश है बड़ा महान. कवि की कहंदा है मैं अपने देश की सिफत की सिफत करा. सिफत हुंदा प्रशंसा. सिफत की हुंदा प्रशंसा. अंडरलाइन करो नाल नाल अंडरलाइन करोगे तुसी डिफिकल्ट वर्ड्स. ठीक है. देश अपने दी की सिफत करा मेरा देश है बड़ा महान. कोई इस नू भारत आखे कोई है आखदा हिंदुस्तान. कवि कह रहा है कि मैं अपने देश की प्रशंसा करा मेरा देश तो बड़ा महान है. कोई इस नू भारत आखदा तो कोई इस नू की आखदा हिंदुस्तान. ठीक है. उत्तर दे विच खड़ा हिमालय इसते सिर दा ताज. सब तो उपर की है हिमालय. ठीक है. इसते एक ही लगता है ये उसते सिर दा ताज लगता है. देखा तुसी लुक हेयर. उत्तर दे विच खड़ा हिमालय इसते सिर दा ताज. ताज हुंदा मुकट. ताज की हुंदा मुकट. एक मुकट दी तरह लगता है. ठीक है. नेक्स्ट है उपजाऊ भूमि है इसकी खुशहाली दा राज. उपजाऊ हुंदा उत्पादक प्रोडक्टिव. इसकी जिहड़ी भूमि है भूमि हुंदा धरती. इसकी धरती की है बड़ी उपजाऊ है. यही इसकी खुशहाली दा राज है. यही इसकी बरकत दा राज है. किधरे पर्वत उच्चे उच्चे किधरे पदरे मैदान. कहते किधरे तो पर्वत बहुत उच्चे उच्चे है. ठीक है. तो किधरे पदरे मैदान कितने मैदान वगू कि पदरे होंगे सीधे. किधरे सीधे सीधे मैदान है. किधरे नदियाँ झीलों नाले किधरे है रेगिस्तान. किधरे नदियाँ किधरे झीलें नाले है तो किधरे की है रेगिस्तान. रेगिस्तान होंगे रेतला मारूथल. हर थान का जलवायु वखरा वखरिया ने सुगाथा. हर थान का जो वातावरण है जलवायु होंगे वातावरण. जलवायु किन कहे वातावरण. हर थान का जलवायु हर थान का जो वातावरण है वो वखरा वखरा है. वखरिया ने सुगाथा मिलजुल के रहते सब वासी. वासी होंगे रहन वाले लोग. वासी कौन होंगे रहन वाले लोग. मिलजुल के रहते सब वासी भावें वक् वक् धर्म दे जाते जाता. अंग्रेज़ा इसनू गुलाम बना के. अंग्रेज़ा ने इसनू अपना दास बना के. गुलाम हुंदा दास. गुलाम किनू कहंदे दास नू. अंग्रेज़ा इसनू गुलाम बना के करना चाहिया सी बर्बाद. बर्बाद हुंदा नष्ट. बर्बाद किनू कहंदे नष्ट. देशभगतां कुर्बानियां दे के देशभगतां ने अपन कुर्बानियां दे के की किया करवाया इसनू आज़ाद. देशभगतां ने अपन कुर्बानियां दे के भारत देश नू की करवाया सी आज़ाद. आओ सारे भारतवासियो रल मिल इत्थे रहिए अपने इस महान देश की तनो मनो सेवा करिए. बेटा इस कविता नू तुसी दोबारा पढ़ोगे ते दे औखे शब्द ते शब्द अर्थ अपनी फेयर कॉपी विच भी लिखोगे. जेड़ा भी तुहानू शब्द औखा लगता तुसी उन्हों अंडरलाइन करो. ठीक है. तो उन्हों अपनी फेयर कॉपी विच लिखोगे.
हम ऐसी करांगे इसके प्रश्न उत्तर। यस पेज नंबर 7 देखो बेटा, पेज नंबर 7 जैसी प्रश्न उत्तर करांगे, लिखती अभ्यास, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, साडे देश का की नाम है, इस दी खुशहाली का राज की है, तो उत्तर की में लिखोगे साडे देश का नाम भारत है। भारत है ना थोड़े देश का नाम, किसका लिखोगे साडे देश का नाम भारत है, तो इसकी खुशहाली का राज की है, दो क्वेश्चन है इस विच, ठीक है। इसकी खुशहाली का राज किसका लिखोगे, भूमि का उपजाऊ होना इसकी खुशहाली का राज है। कि उपजाऊ होना भूमि, भूमि की होंगी है धरती, भूमि का उपजाऊ होना। भूमि का उपजाऊ होना इसकी खुशहाली का राज है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में केड़े केड़े तरातली रूप पाए जाते हैं, कविता पढ़िया ना तुसी, देखो किधरे पर्वत उच्चे उच्चे, किधरे पदरे मैदान, किधरे नदियां झीलां नाले, किधरे है रेगिस्तान, ठीक है। इस विच दसना है ये तरातली रूप ने सारे, तुसी किस तरह लिखोगे भारत विच किधरे उच्चे उच्चे पर्वत है, किधरे सीधे मैदान है, किधरे नदियां ते किधरे झीलां हन, अते किधरे रेगिस्तान वर्गे तरातली रूप पाए जाते हैं। लिसन अगेन, भारत विच उच्चे उच्चे पर्वत, सीधे मैदान, नदियां, झीलां, नाले ते रेगिस्तान वर्गे तरातली रूप पाए जाते हैं, ठीक है। अंडरलाइन करो इस लाइन को, किधरे पर्वत उच्चे उच्चे, किधरे पर्वत उच्चे ने, किधरे नदियां ने, किधरे झीलां ने, ते किधरे रेगिस्तान वर्गे तरातली रूप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के वक् वक् खेतरां दा जलवायु कहो जिहा है, हर खेतर दा जलवायु वक्रा वक्रा है ना, भारत के वक् वक् खेतरां दा जलवायु कहो जिहा है, किस तरह लिखोगे भारत के वक् वक् खेतरां दा जलवायु वक्रा वक्रा है, किधरे गर्मी है ते किधरे सर्दी है, ओके। भारतवासी किवें रहिंदे हन, भारतवासी मिलजुल के रहिंदे हन, किवें रहिंदे हन भारतवासी मिलजुल के। भारतवासी मिलजुल के रहिंदे हन, भारत नूं आजाद करवाउण लई देश भगतां ने की कीता, भारत नूं आजाद करवाउण लई देश भगतां ने कुर्बानियां दित्तियां, की कीता सी कुर्बानियां दित्तियां सी, अपनियां जानां वार दित्तियां सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ आ गई अगला क्वेश्चन, भारत नूं आजाद करवाउण लई देश भगतां ने की कीता, भारत नूं आजाद करवाउण लई देश भगतां ने कुर्बानियां दित्तियां, ठीक है। नेक्स्ट है, खाली थावां भरो, हिमालय पर्वत भारत दे सिर दा डैश है, हिमालय पर्वत भारत दे सिर दा ताज है, ठीक है, खाली थावां। फर्स्ट विच की लिखोगे ताज, हिमालय पर्वत भारत दे सिर दा ताज है, भारत विच डैश धर्मां दे लोग रहिंदे हन, भारत विच वक् वक् धर्मां दे लोग रहिंदे हन, इस तरह लिखोगे वक् वक् भारत विच वक् वक् धर्मां दे लोग रहिंदे हन। नंबर जी, कम टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट है, भारत डैश वाला देश मन्या जाता है, भारत विभिन्नतावां वाला, स्पेलिंग देखो विभिन्नतावां दे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4,
सानू अपने आपस विच डैश के रहना चाहिए है, सानू आपस विच मिलजुल के इस तरह रहना चाहिए है, मिलजुल के। सानू आपस विच मिलजुल के रहना चाहिए है। असी अपने देश की डैश सेवा करांगे, असी अपने देश की तनो मनो किस तरह सेवा करांगे, असी तनो मनो। असी अपने देश की तनो मनो सेवा करांगे, ठीक है बेटा। तुसी हुण बहुविकल्पी प्रश्न देखो, भारत नूं होर किस नाम नाल जाणिया जांदा है, इस विच तीन ऑप्शनस ने, पाकिस्तान, एशिया, हिंदुस्तान। की लिखोगे, भारत नूं होर किस नाम नाल जाणिया जांदा है, ठीक ऑप्शन की है, हिंदुस्तान। ओके, भारत की उत्तर दिशा विच केड़ा पर्वत स्थित है, हिमालय, विंध्याचल है कि सतपुड़ है, केड़ा है, हिमालय। भारत की उत्तर दिशा विच केड़ा पर्वत है, हिमालय, केड़ा पर्वत है, हिमालय। भारत की भूमि क्यों जी है, बंजर है, बेकार है कि उपजाऊ है। भारत की भूमि, भारत की धरती किस तरह की है, उपजाऊ है, ठीक है। भारत नूं किसने गुलाम बना के रखिया सी, भारत नूं अंग्रेज़ा ने गुलाम बना के रखिया सी। सानू अपने देश की की करना चाहिदी है, देखो केड़ियां केड़ियां ऑप्शन ने, जिस सेवा, लूट खसूट के वंड। सानू अपने देश की करनी चाहिए है, सेवा करनी चाहिए, सानू अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो बेटा पार्ट नंबर एक मेरा देश कविता की पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो इसके प्रश्न औखे शब्द, शब्द अर्थ ते प्रश्न उत्तर अपनी फेयर कॉपी में लिखोगे। थैंक यू बेटा।